बहल एंड मामा रॉक्स। तो पहले बैक कैमरे से बात करते हैं। हाय हरित्वी, हाय हरित्वी, फोन देख रहा है। आज उसकी है छुट्टी क्योंकि मुझे करना है बहुत सारा काम। मैं डर गई थी, मुझे लगा फैन में से आवाज आ रही है, मैंने कहा गिर ना जाए। इसकी गेम में से आवाज आ रही है, हम लोग सोच रहे हैं फैन में से आ रही है, और ये बंदी बोल ही नहीं रही कि मेरी गेम में से आ रही है। वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका आपके चैनल हरित्वी बहल एंड मामा रॉक्स में। तो मैं शॉप पे हूँ, 10:30 हुए हैं, आज लेट हो गए क्योंकि पिछले कल हम लेके आए हैं सामान शॉप के लिए, करवा चौथ के लिए स्पेशली, और बहुत सारी चीज़ें नई नई जो हमें लगी मार्केट में, नया नया बहुत अच्छा आया था। स्पेशली इयररिंग्स है ना, इयररिंग्स बड़े प्यारे थे। तो मैं सोच रही हूँ करवा चौथ पे तो चलो इयररिंग्स की इतनी सेल नहीं होती, तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे, मिस्टर बहल आएंगे तो अच्छे से शॉपिंग करेंगे उस चीज़ की। तो अभी मैं और ज्योति जुट गए हैं, ज्योति सफाई कर रही है और चीज़ों को अरेंज करने में। तो आज का व्लॉग स्पेशली जो है वो शॉप डेडिकेटेड व्लॉग होगा, जिनको इंटरेस्ट है शॉप में वही देखेंगे। आप लगाओ, ज्योति को यही टेंशन है कि भाभी मेरे को मत लेना वीडियो में, मेरे को मत लेना, ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है बिना पैसे के वीडियो में नहीं आएगी। ये शाहरुख खान से भी ऊपर है, बिना पैसे के वीडियो में नहीं। वो लोग तो थोड़ा सा दोस्तों का देख भी लेते हैं, चलो जैसे सलमान खान है फ्री गेस्ट अपीयरेंस कर भी देते हैं, ये बंदी नहीं करेगी, ये असूलों की पक्की है। फोन पकड़ के मेरी बाजू दुखने लगे, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पहले हम बच्चों की चीजियाँ लगा रहे हैं क्योंकि बहुत नई नई चीजियाँ लेके आई हूँ मैं। चीजी ना, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं BSc में थी, तो एक पिक्चर आई थी मूवी, उसमें बोलते थे लड़कियां जब कॉलेज में जाती थी ना उसको बोलते थे चीजियां ही चीजियां, वो बहुत गंदा वर्ड लगता था एट दैट टाइम। आज बिना लाइट ना वो पीछे, तो फिर कैमरा बहुत अच्छा कैप्चर करता। और ये देखो इस बंदे की टांगे, बूबी कहाँ है? अच्छा मैं डर गई। हाँ, और ये तो लेस कुरकुरे तो यार पुराने ही होते हैं। बस ज्योति लगी हुई है, फर्स्ट वाला काउंटर है लगाने हुए, और फिर ये सारा सामान है करवा चौथ का, इसको हम बाद में खोलेंगे, पहले इसको अरेंज करते हैं ना फटाफट। हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज का व्लॉग में शॉप का व्लॉग ज़्यादा रखूँगी उसमें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पिछले कल की भी बहुत ज़्यादा थकावट थी क्योंकि दुकान के लिए शॉपिंग की थी, और ये गिरने वाला है, और आज की भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई क्योंकि सारा सामान देखा, टैली किया, फिर उसे लगाना था, और फिर कस्टमर आते जाते हैं, तो फिर बहुत बिजी सा दिन रह गया, मैं भूल ही गई। अभी ऊपर चढ़ी हूँ, अभी बजे हैं 6 और मेरे तो 6 या 12 बजे हैं दोनों। मैंने ज्योति से ना चंपी कराई अच्छे से, भाई का फ़ोन आ रहा है। मैक्रोनी बच गया था वो रखा है, मैंने बनाया अभी अभी वाइट पास्ता, वाइट सॉस पास्ता जिसको कहते हैं। बेटा कुछ भी बोल देते हैं, इसमें बड़ा फर्क है। ओके, वाइट मैक्रोनी बनाई है, तो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शूट करना भूल गई, मैं हरित्वी के साथ बातों में बिजी हो गई, दैट्स व्हाई मैं भूल गई। तो फिर कभी करूंगी। तो ये आज मैंने सेकंड टाइम बनाया, रही थी थर्ड टाइम, सेकंड टाइम। हाँ, तो ये हरित्वी का ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है। वैसे जो पहले बनाया था उससे पहले कभी बनाया था? बहुत पहले बनाया था, तब आप छोटे से थे, तो मुझसे परफेक्ट नहीं बना था बेटा उस टाइम। चलो शीट बिछाई आपने, आज है संडे, और ये देखिए ये बाबूजी कहाँ फंस के सफाइयाँ कर रहे हैं। हेलो बाबू, चोट मत लगा लेना, ये देखो ये सफाइयों के इतने दीवाने हैं ना, संडे आया नहीं तो हरित्वी ने अपने हथियार उठाए नहीं, कॉलिन और 2-4 हैंकी लेके हरित्वी पूरा घर अच्छे से चमका देता है ना, और पहले खुद चमक जाता है, पहले खुद नहाता है फिर पहले खुद चमकता है फिर पूरे घर को चमकाता है ना। अब मैं आपको बताती हूँ इसने बेडरूम किस तरह से चमकाया है। ये देखिए ये पजल है जो मैंने इसको अभी नया ला के दिया है क्योंकि अभी इसको एवेंजर्स बहुत पसंद है, तो पहले तो इसने इसको बनाया और साइड पर रखा। और ये देखिए बेडरूम, ये पिल्लो विल्लो सब खुद सेट कर रही है अपने
और उसको बोल रही है कि ब्राउनी और मम्मा है पांडा का और वो मम्मा की गोदी में बैठा है। गाइस वेलकम बैक। एक दो दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई, ब्लॉग भी नहीं शेयर किया। हाँ जी व्हाट हैपन? बाहर से शीशे का और ये पेपर लगे हुए थे ना पहले, वो वाला है, मम्मा उतारेगी किसी दिन। बाय। रितु लगी हुई है धूम धड़ाल से सफाइयां करने, संडे को डस्टिंग मेरे को करनी नहीं पड़ती, ये बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से, मतलब कोई बच्चा मुझे लगता नहीं है इतने अच्छे से करता होगा। मैंने झाड़ू लगा लिया है, संडे है तो लेट ही उठी थी मैं क्योंकि थकावट हो गई थी और शॉप का सामान लेने गए थे और आपको पता है नॉर्मल शॉपिंग में बंदा थक जाता है तो शॉप की शॉपिंग में तो बस हो जाती है, उसमें फिर नेक्स्ट डे उस शॉप को सफाई की, अच्छे से डीप क्लीनिंग टाइप किया और उस पर सारा नया सामान अरेंज किया। करवा चौथ का स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, इयररिंग्स तो इतने अच्छे आए हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। जी बेटा फेंकना। अच्छा ये पॉलीथीन दो, या मैं आपको ये डस्टबिन दे देती हूँ, आप इसमें डालो, ये वाला डस्टबिन में डालो। इयररिंग्स बहुत प्यारे आए हैं, चूड़ियाँ तो होती होती हैं, इयररिंग्स बहुत प्यारे आए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा, बहुत प्यारे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा, बटल लाइन ब्लॉगिंग ही नहीं हुई, थक गई थी कल सोचा, लेकिन फिर मैंने कल ये हेड मसाज भी मैंने ज्योति से लिया क्योंकि मेरा सिर भी दुख रहा था। एक्चुअली कुछ वैसे भी तबीयत तो मेरी ऐसी रहती है ना, तो फिर थोड़ा सा भी काम ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मैजिकल स्मूदी जिसको पीते हुए मुझे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे मुझे जो है वो मिले हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ और बनाते बनाते बताऊँगी जिन लोगों को वो दिक्कतें हैं चाहे नहीं हैं, एवरी वीमन एवरी लेडी जिसने बच्चे को जन्म दे दिया है या देना है, कंसीव करने का सोच रही है, उसे कंसीव नहीं हो रहा है और या डिलीवरी के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस समूदी को आंख बंद करके बिना कुछ सोचे 3-4 महीने कंटिन्यू करें, आपको 3rd महीने में ही इसके रिजल्ट जो है वो पता चल जाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ पोछा लगा लूँ फिर ये शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा नाश्ता जो है वो सिंपल एक स्मूदी होता है जिसमें एक केला होता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें मिक्स करती हूँ जो रात को भिगो के रखे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले 2 खजूर। जब मैंने इसे शुरू किया था पीना, शुरुआत में मैंने सिर्फ 1 खजूर डाली थी, लेकिन अब मुझे ये सब डाइजेस्ट होता है तो मैं 2 खजूर डालती हूँ और 2 ही अंजीर जिसको हम फिग बोलते हैं रात को भिगो के रखे होते हैं पानी में, और कुछ किशमिश, अगर आपके पास मुनक्का है तो आप मुनक्का डालो, वो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद कुछ भिगोए हुए बादाम, उनको उनके छिलके उतार के जो है इस स्मूदी में मैं डालूँगी। टीनेजर गर्ल्स भी इस ड्रिंक को ले सकती हैं, टीनेजर गर्ल्स के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आजकल पीरियड्स को लेके, उनके जो मेंसेस के दौरान उनको पेन होती है, कुछ भी आपको दिक्कत है ना, आपका जो भी साइकिल है, कोई भी दिक्कत उसको रिलेटेड, तो ये अकेली ड्रिंक इतनी हिम्मत रखती है कि वो आपकी उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस ड्रिंक को लेना शुरू किया जिस पर्पज़ के लिए, वो मुझे जो असर है वो 2 महीने बाद दिखना जो है वो शुरू हुआ है। आप में अगर कोई भी दिक्कत है प्रेगनेंसी को लेके, कंसीव नहीं हो पा रहा, मिसकैरेज हो गया है, आपको यूट्रस जो है वो वीक है, या कुछ भी ऐसा आपको गायनी इश्यूज हैं जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इस ड्रिंक को भी ज़रूर लें। बहुत टाइम से मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको कहते हैं ना एक्सप्लेन में नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी दिक्कतें मुझे बताती रहती हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो मुझे लगा चलो कोई कहीं अगर एक भी ऐसा शख्स होगा जिसके लिए ये सही रहेगा तो मैं शेयर करूं। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, आप चीनी अवॉइड कर सकते हैं, केला मीठा ही होता है, लेकिन मैं बीपी लो की पेशेंट हूं
तो मुझे सुबह ही कुछ ऐसा ड्रिंक लेना होता है जिससे मेरा शुगर लेवल हाई हो जाए। दैट्स वाई मैं इसमें चीनी डालती हूँ। यकीन मानिए पिछले 3 महीनों से मैंने बीपी की लो, जो बीपी लो की मुझे दिक्कत थी वो भी मुझे नहीं हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रिंक। मैंने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ली। तो हफरा दफरी में वो या काम कर जाती हैं, है ना। हमारा न्यूट्रिशन लेवल जीरो हो चुका है। हम प्रोडक्ट्स लेती हैं, सप्लीमेंट्स लेती हैं और नहीं चलता। लेकिन अगर एक आधा ऐसा ड्रिंक हमारी और जो डेली डाइट में शामिल हो जाए, स्पेशली हमारा नाश्ता ऐसा हो जाए, तो फिर तो क्या ही कहना। तो मैं आपको सुजेस्ट भी करूँगी और रिक्वेस्ट भी करूँगी, और स्पेशली अपनी टीनेजर जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी टीनेजर स्टूडेंट्स हैं, उनसे स्पेशली कि प्लीज़ इस ड्रिंक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बच्चियाँ अपनी मम्मियों से भी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो एक प्रॉब्लम है जिसे आगे जाके उनको बहुत बुरे रूप में फेस करना पड़ेगा। पता ही नहीं होता, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी सिर्फ एक इस ड्रिंक से। इसको मैं हमेशा नाश्ते में लेती हूँ। और डिटेल में जानना चाहती हैं तो कमेंट करें। स्मूदी मेरी बन गई है, अब हम इसको बैठ के आराम से इंजॉय करेंगे। पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। नहाने के जब भी आप फेस वॉश करते हो ना, तो तुरंत बाद अपना मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी है, सिंपल पूरा स्किन केयर नहीं कर सकते सीरम एंड ऑल, तो अकेला मॉइस्चराइजर भी ज़रूर ज़रूर लगाएं, इमीडिएटली लगाएं। विद इन 30 सेकेंड लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन आज मेरे से नहीं लगा हो पाया, क्योंकि मैं जैसे ही नहा के निकली, ऋत्वी ने अपने वाटर कलर्स का तामझाम किया हुआ था, उसे साफ़ किया मैंने पहले, फिर स्मूथी बनाई। बन गया एवेंजर्स, एवेंजर्स का जादू सिर चढ़ के बोलता है इनके। देखिए इनकी चद्दर पे स्पाइडी रजैया, स्पाइडी सब कुछ स्पाइडी होना चाहिए। तो पहले मैं स्किन केयर करूँगी अपना, फिर हम स्मूदी पियेंगे। फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत कुछ और ही सोच के की थी मैंने। पहले सोचा था कि आपके साथ होलसेल बाज़ार को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन वहाँ जाके इतनी भीड़ में जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में वो शूट ही नहीं कर पाई। फिर शॉप का सोचा, लेकिन शॉप पे भी फिर बहुत मेस हो गया था, उसको इकट्ठा करना था, कस्टमर्स आते जाते हैं, तो उसमें मतलब मैंने कुछ और ही शुरू किया था, कुछ और ही शूट कर दिया, सब कुछ ऐसे ही हो गया। चलो होपफुली आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मेरा सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र है, जिसके बारे में आप लोग बहुत बार पूछते हो। ये न्यूट्रीजना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, और ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले तो कर ही सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। सिर्फ एक बूंद लगता है, जस्ट सिंगल ड्रॉप। और आप मानेंगे मुझे 4 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और ये न्यूट्रीजना का ही मेरा सनस्क्रीन है, और ये इसको भी 4 महीने हो गए हैं, और इसका जो MRP है वो 400 के करीब है, लेकिन चल जाता है ना। मतलब एक एक ड्रॉप तो हमें यूज़ करना होता है, एक्सेस में यूज़ नहीं करती, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है। तो ये मेरा हल्का सा स्किन केयर है जो डेली होता है। आप इसको मेकअप के रूप में भी ले सकते हो। जस्ट ये चीज़ें मैं लगाती हूँ। सिरम मैं हमेशा गुड वाइब्स की रोज़ हिप ही लगाती हूँ। सोचती तो हूँ कि हमेशा कुछ चेंज करूँ, लेकिन मुझे गुड वाइब्स की रोज़ हिप सिरम ही जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मेरा और हरित्वी का चल रहा था कुछ, तो इसी के साथ मैं व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर बदलें।